दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय क्षमा वनस्पति एंड कुकिंग ऑयल, विज वॉश, गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग, SM फूड्स, वोल्का फूड्स इंटरनेशनल, अल करीम बिल्डर्स एंड धरेजा ग्रुप ऑफ अकेडमीज। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का इल्मी और अदबी प्रोग्राम अहले कलम, और मैं हूँ मेज़बान राजा कौसर सईदी। आज हमारे मेहमान मेंबर सेंट्रल कोर कमेटी पाकिस्तान अवामी तहरीक, मरकजी मीडिया कोऑर्डिनेटर मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल, सेक्रेटरी जनरल मुत्तहदा मिलाद कौंसिल और मरकजी सेक्रेटरी इत्तला'आत तहरीक सूबा मुल्तान, शायर, दानिश्वर, कालम व मजमून निगार, सियासी, समाजी और हमाजह शख्सियत के मालिक जनाब राव मोहम्मद आरिफ रिजवी, और उन्हें शेर के साथ अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहने जा रहा हूँ कि दरिया को दश्त, दश्त को दरिया दिया गया, दरिया को दश्त, दश्त को दरिया दिया गया, जैसा किसी का ज़र्फ़ था वैसा दिया गया। जनाब राव आरिफ रिजवी, आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ ले रहे हैं। जी, मैं सबसे पहले तो राजा कौसर सईदी साहब, आपका, मक्स न्यूज़ का बदलता ज़माना, और फिर उनके जो एडिटर हैं मोहतरम इम्तियाज़ गुमन साहब और अकमल वैंस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इज़्ज़त अफजाई फरमाई, आज के प्रोग्राम में दावत दी, इज़हार ख्याल का मौका दिया। आपकी खिदमात भी इल्मी और अदबी हवाले से मुल्तान में एक शानदार खिदमात हैं आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए एजाज़ है कि मैं आपके साथ आज का ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो मैं बदलता ज़माना का, मक्स न्यूज़ का और बारे दिगर मशकूर हूँ कि आपने इस इज़्ज़त अफजाई से नवाजा। जज़ाकअल्लाह, सलामत रखे आपको। अच्छा आरिफ भी, ये बताइएगा कि स्कूल और ख़ासतौर पर इब्तदाई अयाम जो हैं, तो बज़्म अदब का ज़माना आपको याद होगा, वो असातिज़ा जिन्होंने किरदार व कलम से आपका रिश्ता जोड़ा, तो हमारे नाज़रीन से ज़रा वो शेयर कीजिएगा। जी राजा साहब, क्योंकि तालीम सारी गांव में हुई, कोटाबाद शहीद में, तो वहाँ प्राइमरी स्कूल था, फिर हाई स्कूल था, वहाँ पे असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अपने दौर के बेहतरीन असातिज़ा जो थे वो हमें इल्मी हवाले से मैसर आए। तो बचपन से ही शौक़ था बज़्म अदब में हिस्सा लेने का, कभी नाज शरीफ पढ़ ली, और फिर ख़ास तौर पर जब सातवीं आठवीं क्लास में गए तो फिर शौक़ पैदा हुआ कंपेयरिंग का। अच्छा, तो फिर कंपेयरिंग भी की, आठवीं क्लास में था तो कुछ थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दिया, कोई अशार वगैरह भी लिखे, टूटे फूटे उस वक्त के, वो इस काबिल तो नहीं कि किसी को सुनाए जाएं, लेकिन अल्फाज से कोई रिश्ता जो है वो जुड़ा तालीमी दौर में, तालिब इल्मी के दौर में। लेकिन मैंने जब मैट्रिक कर लिया, मैट्रिक करने के बाद मैं मिनहाजुल कुरान में गया, मिनहाज यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्सेज थे उसके लिए, तो वो जो सलाहियतें दबी हुई थी उनको वहाँ पे उभरने का मौका मिला, वो पॉलिश हुई, और उससे वो चीज़ें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक इल्मी माहौल था और एक रूहानी माहौल भी था, और इल्मी हवाले से मैंने वहाँ बड़े असातिज़ा, जिसमें एक पाकिस्तान के नामवर शायर और अदीब रियाज चौधरी साहब जो हैं, उनसे मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला, और दीगर बहुत सारे असातिज़ा कराम जो इल्मी हवाले से वहाँ पे अथॉरिटी तस्लीम किए जाते थे, उनकी कुर्बत मिली, उनके साथ गुफ्तगू का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। तो उसके बाद फिर मैंने जो है बाकायदा तौर पे वो शायरी भी शुरू की और लिखने लिखाने का, उस वक्त तो डायरी लिखने का था जो रिवाज था, तो वो डायरी लिखते थे तो उस पर लिखना शुरू किया। तो उसके बाद फिर वो चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता मजीद बेहतर होती चली गई, निखरती चली गई। एक चीज मैं यहाँ बयान करना चाहूंगा, ये है तकरीबन कोई 99 की बात है, तो उस वक्त जो है मैं लाहौर में था, मिनहाजुल कुरान के मरकज पे एक हमारा कोई 3-4 महीने का कोर्स था उसमें, तो उसी दौरान जो है आसान पाकिस्तान मोहम्मद अली जोहरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ। हम नमाज ज़ोर के लिए वहाँ मस्जिद में थे, ऐलान हुआ जी मोहम्मद अली जोहरी साहब का विसाल हो गया, और यहाँ से जो है लोग जो है उनके जनाजे में शिरकत के लिए जाएंगे। तो वहाँ से काफ़ी सारी बसें थी, मैं भी चला गया, उनसे एक मोहब्बत थी, उनस था नात के हवाले से।
अच्छा, जब वहाँ जनाजा में शिरकत की और वहाँ से वापस आए तो उसी दौरान जहन में कुछ अशार आए मोहम्मद अली ज़ोहरी साहब के हवाले से, वो मैंने लिखे। वाह। अच्छा, वो तकरीबन 15-20 के करीब अशार थे, वो लिख के मैंने, उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे रियाज हुसैन चौधरी साहब, बहुत बड़ा नाम है शायरी के हवाले से, और नात गोई नात गो शायर थे बहुत बड़े, तो उनके पास मैं वो लेके चला गया। मैंने कहा जी ये मैं आपके पास लेके आया हूँ, कुछ और चीजें भी थी, तो मैंने कहा इसकी इसलाह फरमा दें आप। तो उन्होंने वो कागज लेके रखा, उस पर कुछ चीजें उन्होंने इसलाह के तौर पर लिख दी। फिर मैंने उनको कहा जी मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको कहीं शाया करवाऊँ, मुझे अल्लाह मिनाजुल कुरान में या किसी और जगह पे शाया करवाऊँ। तो उन्होंने एक बड़ा अहम जुमला बोला जो मेरे जहन में आज तक मौजूद है। उन्होंने कहा बेटे अगर आपने लिखना है ना तो फिर ये शाया करने का शौक खत्म कर दें। वाह। अगर आप छपने की तरफ चले गए ध्यान सारा उधर चला जाएगा, जब कोई चीज छपेगी नहीं तो आपको अफसोस होगा, वो लिखने वाला काम खत्म हो जाएगा। वाह, 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 वाह। तो बेहतर है कि आप तवज्जो सारी लिखने पर रखें, और अगर लिखना है तो उसके लिए आपका आपका मुताला होना चाहिए। खूब खूब। तो उस पर आप सारी तवज्जो दें। अहम बात। तो मैं मेरे जहन से फिर वो छपने वाला काम निकल गया। बहुत बाद में जाके फिर मैंने कुछ चीजें छपने के लिए दी और फिर वो छपती चली गई अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से सफर अच्छा, ये चलता रहा। यहां आपने अभी जिक्र किया मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी का। जी जी। वहाँ की इल्मी अदबी मजहबी रूहानी तहरीकात का तो आपका बड़ा ताल्लुक रहा इज्जत मआब जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से। जी जी। तो वो हवाला भी जरा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। मैं ये बड़े इसको एजाज़ के साथ और फख्र के साथ बयान करना चाहूँगा कि इस वक्त आलम इस्लाम की एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब। बिलाशुबा। अच्छा, उनके उनकी शख्सियत के बेशुमार पहलू हैं, लेकिन एक पहलू जो उनका है जो आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा कि उसको सामने लेके आऊँ, वो बहुत बड़े अदीब हैं। लफाजी उन पे ख़त्म है। आप उनके गुफ्तगू सुने, खिताबात सुने, या उनकी जो हज़ार हा की तादाद में उनकी कुतब जो है उस पे उनके उसकी अगर लफाजी पे आप गौर करें तो यूं लगता है जैसे अल्फाज कतार दर कतार उनके सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं। तो ये जो चीज़ें थी नात के हवाले से, जैसे मैंने कहा कि आठवीं क्लास में मैंने कुछ अशार नात के लिखे, तो मैं 95 में पहली मरतबा मिनहाजुल कुरान की जो आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस होती है उसमें गया मीनार पाकिस्तान। तो उस कॉन्फ्रेंस में मैं पहली मरतबा लाहौर गया था, और पहली मरतबा उस कॉन्फ्रेंस में गया था मिलाद शरीफ के प्रोग्राम में शिरकत के लिए। तो हमने तो गांव में मिलाद देखी थी, मस्जिद में चंद लोग बैठे होते थे, अलामा साहब खिताब करते थे और वो करते थे। वहां जब हम गए तो वहाँ लाखों लोग थे और दूर दूर तक बैठे थे। अच्छा, फिर जब मैंने वहाँ पे वो देखी नातें जब उन्होंने पढ़ी नात खानों ने, तो डॉक्टर साहब उस पर झूम रहे थे और पूरी स्टेज पे उन पे एक वजद का आलम था। तो मुझे ना मेरे ऊपर एक कैफियत थी इस तरह की तारी हुई कि वो जो नात का जोक था वो मजीद वो यानी ये समझ लें कि उस कैफियत की वजह से निखर गया। फिर वो बारिश जब शुरू हुई तो मैंने समझा भी ये तो भगदड़ मच जाएगी, अब इतने सारे लोग बैठे हैं, अब इतनी शदीद बारिश थी, वो मूसलाधार बारिश, उधर डॉक्टर साहब का खिताब शुरू हुआ है और उधर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। तो मैंने कहा ये तो काम खराब हो जाएगा, हम तो देहात से गांव से आए हुए हैं, पता नहीं यहाँ क्या बनेगा। लेकिन राजा साहब आप यकीन करें वो चीजें मौजूद हैं, वीडियो की शक्ल में रिकॉर्डिंग में मौजूद हैं, कोई एक शख्स अपनी जगह से नहीं हिला। और सुबह दरूद व सलाम तक जब वक्त विलादत था उस वक्त दुरूद सलाम होता है वहाँ हर साल, तो उस वक्त तो कोई शख्स अपनी जगह से नहीं हिला। वो जुलाई का महीना था गालबन या अगस्त का था, तो लोग उस पूरी बारिश में और खिताब जारी रहा डॉक्टर साहब, वो हमने सुना। तो उनसे लफाजी जो है वो उनकी किताबें पढ़ के उनको सुन के उनकी सोबत में बैठ के जो अल्फाज का एक वो चुनाव है और वो चीजें वहां से अल्हम्दुलिल्लाह मिली हैं, और ये फैज है शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब। और नाज़रीन मुझे आफ्ताब डॉक्टर आसिक करनाली रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर इज़्ज़त मआब जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की खिदमत में पेश करने का मौका मिल रहा है, इजाज़त दीजिए। कि बदन महताब जैसा कद्दो कामत का कशां जैसा, वाह वाह वाह, बदन महताब जैसा कद्दो कामत का कशां जैसा, और हमारे शहर में, बल्कि इसे तब्दील कर लेते हैं थोड़ा सा, कि हमारे मुल्क में एक आदमी है आसमां जैसा। वाह 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 वाह, राजा साहब कमाल कर, बदन महताब जैसा कद्दो कामत का कशां जैसा, हमारे मुल्क में एक आदमी है आसमां जैसा। नाज़रीन एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है, और वक्फे से वापसी के बाद इंशाल्लाह राव आरिफ रिजवी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Mm-hmm.
बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। बोले 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 दिल बोले कोई निशी आई लव यू कहे। Twice Health Formula के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति बोले दिल की बोल। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करें मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ्फुज। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट, ते फर्श, शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवे विज करे सा, वॉशरूम इवे जगमग जगमग होसी। मासी, विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दस सफाया, सेहत सफाई ते पाकीजगी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वालिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, ट्राई कीजो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पाटके नवा लग सी। पैसे कितने? टाइम कितना? 8,000 टू दिहाड़े। यो नवा थी वैसी बाजी? तुसा करे सो? ए करे सी, ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5,000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा।
मिस्त्री से 5,000 घिन आयो खुले पैसे हैं। विज़्ज़ा मतलब शर्तिया सफाई फकर ना घिनो एतमाद ना वर्तो। विज वॉश हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। केड़े दाग ते केड़े धब्बे विज़्ज़े अगू भी कोई टिक दे फर्श ते देखो चम चम चमके टॉयलेट भी लिशकारे मारे पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना विज़्ज़ा ए पैगाम है बेली तंदुरुस्ती इनाम है बेली निस्तिमान सफाई ही वे तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए विज़्ज़ आज ही घर घिन के बन जाए विज़्ज़ कहनी तो सफाई कहनी विज वॉश हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाबे राव मोहम्मद आरिफ रिज़वी हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब आप सेंट्रल कोर कमेटी के मेंबर हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के, तो इस हवाले से पाकिस्तान अवामी तहरीक में जो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है उसमें क्या लाहे अमल अख्तियार किया गया है और किस अंदाज से उसको देखा जा रहा है? मैं अर्ज करता हूँ जी, ये बड़ा अहम सवाल राजा साहब आपने किया है। पाकिस्तान अवामी तहरीक रिवायती सियासी जमात नहीं है, ये एक इनकलाबी सियासी जमात है जो इस बात पे यकीन रखती है कि अवामी ताकत के साथ निज़ाम को तब्दील किया जा सकता है। डॉक्टर तहरुक गादरी साहब ने 2013 और 2014 के धरने में पूरी कौम को आइन के आर्टिकल जो है वो हरफन हरफन जो है सबकन सबकन सिखाए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर आर्टिकल 62 और 63 जिसमें अहलियत और नाअहलियत जो है अराकान पार्लियामेंट की वो अजबर करवा दिए कौम को। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसमें ये है कि हम चूंकि रिवायती सियासी जमात नहीं है इसलिए हमने ज़्यादा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन कुछ बार हमने इंतखाबात में भी हिस्सा लिया है। तो इस सारे सिनेरियो में डॉक्टर साहब की चूंकि इल्मी और तहकीकी और उसकी तफसीर के हवाले से हदीस के हवाले से बहुत ज़्यादा इल्मी काम है, बहुत ज़्यादा मुल्क से बाहर मुकीम है वो, तो उन्होंने इस ये जो सियासी था प्लेटफॉर्म था पाकिस्तान अवामी तहरीक इससे कुछ अरसा पहले रिज़ाइन कर दिया, इसकी सरबराही उन्होंने छोड़ी। तो उन्होंने अपनी जगह इसको पाकिस्तान अवामी तहरीक को चलाने के लिए बतौर जमात बजाय इसके कि वो इसकी क्यादत अपने साहबजादगान को सौंपते जैसे आमतौर पर रिवाज है पाकिस्तान का सियासी कल्चर है, लेकिन उन्होंने एक नई रिवायत कायम की कि उन्होंने अपने कारकुनों पे मुश्तमिल एक कोर कमेटी बनाई और उनको अपने तमाम तर इख्तियार सौंप दिए जो तमाम तर सियासी लाए अमल बनाने और सियासी फैसले करने के लिए बाइख्तियार। बहुत बड़ी बात है ये। तो उसमें तकरीबन 21 के करीब अफराद हैं पूरे पाकिस्तान। अच्छा। से जिसमें से एक दो लोग हम साउथ पंजाब से हैं, एक हमारे सूबाई सदर हैं मियां नूर अहमद सऊद साहब और एक मेरा नाम इसमें शामिल है। पाकिस्तान अवामी तहरीक इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसको जो है बगौर उसका जायजा ले रही है और हम उससे ला ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। इस वक्त जो इस्लामाबाद में इंसानों की मंडियां लगी हुई हैं अराकीन पार्लियामेंट के इस सूरत में, ये हम समझते हैं कि पूरी कौम के लिए शर्मनाक है, इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। यकीनन ज़मीरों का सौदा जो है वो किसी भी सूरत काबिल कबूल महज़ब मुआशरों में नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से सियासत को तिजारत बना दिया गया है। यहाँ सियासत के नाम पे तिजारत होती है और लोग इसे पैसा कमाते हैं और फिर दूसरे ममालिक में जायदादें बनाते हैं। इसमें मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि एक जो इलेक्शन है वो कम से कम भी 50 करोड़ रुपए का हो गया है, तो जो शख्स 50 करोड़ रुपया लगा के पार्लियामेंट में जा रहा है वो कोई ईमानदारी करने के लिए तो नहीं जा रहा, वो अरबों कमाएगा। तो, हाँ, ये धन धौंस और धांधली का निज़ाम है। हम इस धन धौंस और धांधली के निज़ाम से अवाम को निजात दिलाने के लिए पूरे निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं, और उसके लिए हमारी जो है शऊर की बेदारी की जिद्दोजहद भी जारी है, हमारी ग्रास रूट लेवल तक तंजीम साजी भी जारी है, हम लोगों से राबते में हैं और इंशाअल्लाह इस जिद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान हकीकी मानों में तब्दीली जो है वो देखेगा जो इनकलाब की सूरत में होगी इंशाअल्लाह। वाह, गोया है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। ज़बरदस्त। अच्छा राव साहब, आप मरकजी मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के, तो मुझे याद है कि मिनहाजुल कुरान के हवाले से बहुत बड़े बड़े जलसे
मैंने अटेंड की है, डॉक्टर साहब की तकरीरें सुनी और ऐसा महसूस होता कि एक बहुत बड़ा इनकलाब जो है मजहबी तौर पर आ रहा है और आया भी सही। तो क्या आप महसूस करते हैं कि जो मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल है इससे एक रूहानी इनकलाब जो है वो बपा हुआ है? जी, इसमें कोई शक नहीं है और कोई दूसरी राय नहीं है। इस वक्त दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक में मिनहाजुल कुरान का नेटवर्क कायम है, वहाँ मिनहाजुल कुरान के इस्लामिक सेंटर्स कायम हैं, वहाँ स्कॉलर्स मौजूद हैं। ऐसे ऐसे ममालिक हैं राजा साहब दुनिया में जहाँ आप सैकड़ों किलोमीटर चलते चले जाएं वहाँ आपको मस्जिद नहीं मिलेगी, मदरसा नहीं मिलेगा। वहाँ बच्चों की जो फैमिलीज वहाँ पे रहती हैं उनकी दीनी तालीम का इशू है, कुरान मजीद पढ़ाने का इशू है, उर्दू सिखाने का मसला है। तो ये कमी जो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की क़यादत में मिनहाजुल कुरान ने पूरी की है। और ऐसा भी ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पूरे मुल्क में अगर कोई शख्स किसी शख्स की डेथ हो जाए, वफात हो जाए, उसकी तदफीन का इंतज़ाम नहीं है, जनाजा पढ़ाने की जगह नहीं है, तो वहाँ मिनहाजुल कुरान ने इस्लामिक सेंटर बना के ये उनको सहूलत दी है। नमाज ईद के लिए जगह नहीं होती, अमेरिका में हमारे वो हैं इस्लामिक सेंटर्स हैं, वहाँ पे हमारे स्कॉलर्स मौजूद हैं, तो वहाँ मैंने उनके शेड्यूल देखे हैं। जैसे हम यहाँ नमाज ईद पढ़ते हैं किसी ईदगाह में, वहाँ पे उनका शेड्यूल जारी होता है कि पहली नमाज ईद 7 बजे होगी, फिर 7:30 होगी, फिर 8 बजे, इस तरीके से उसी सेंटर में, क्योंकि वहाँ ओपनली नमाज ईद वो अदा करने की इजाज़त नहीं होती, तो पूरे अमेरिका से लोग वहाँ जमा होते हैं आके, वो सिर्फ नमाज ईद पढ़ने के लिए मिनहाजुल कुरान के सेंटर पर आते हैं। ये तो दुनिया में है, पाकिस्तान में लाखों की तादाद में लोग मिनहाजुल कुरान से वाबस्ता हैं, घरों में हल्का है, दरूद कायम है, दरूस जो है हदीस होते हैं, दरूस कुरान होते हैं, दरूस तसव्वुफ होते हैं। फिर मुख्तलिफ शहरों में, मुल्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू है, हर शहर में तकरीबन इस्लामिक सेंटर मौजूद हैं, वहाँ स्कॉलर्स मौजूद हैं। तो ये दीनी और रूहानी तालीम और तरबियत का सिलसिला इस हद तक चला गया है कि अब तो सरकारी सतह पे भी और अकवाम मुत्तहिदा की सतह पे भी अगर इस्लाम के बारे में सही कॉन्सेप्ट मालूम करना हो तो मिनहाजुल कुरान को अप्रोच करते हैं। वाह वाह। और मिनहाजुल कुरान को अकवाम मुत्तहिदा ने अपने कंसल्टेंट का दर्जा दिया हुआ है। वाह, ठीक है ना जी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर डॉक्टर साहब की बुक्स हैं, उनके खिताबात हैं, फिर उनके स्कॉलर सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में पूरी दुनिया में मौजूद हैं। एक बात मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा कि मिनहाजुल कुरान ने इल्मी और दावते और तबलीगी हवाले से एक बहुत बड़ा काम ये किया है कि तसनीफ व तालीफ के लिए भी जो स्कॉलर्स ऐसे हैं जिनका रुझान, जिनकी यानी ज़हनी तौर पर रुझान उनका तसनीफ़ व तालीफ़ की तरफ है, उनकी एक अलग टीम रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया है, डॉक्टर फरीदे मिलत रिसर्च इंस्टीट्यूट। उनका काम 24 घंटे रिसर्च का है, तहकीक और उसका है, तसनीफ़ व तालीफ़ का है। उसके बाद जो अच्छे मुकर्रीन हैं उनके लिए निज़ामत दावत बना के मुकर्रीन को एक जगह जमा कर दिया है, यानी स्कॉलर्स की जो खिताबात करने वाले उनकी अलग टीम है। उसके बाद जो स्कॉलर्स जिनका ताल्लुक रुझान जिनका दरस व तदरीस के साथ है, वो हमारी निज़ामत तरबियत में दरस व तदरीस का एक बहुत बड़ा शोबा है, वो स्कॉलर, यानी हर स्कॉलर को उसकी सलाहियतों के मुताबिक उनको एडजस्ट कर दिया गया है और वो अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। बड़ा काम है, बहुत ये अगर आप बरे सगीर की तारीख में देखें तो दारुल मुसन्नफीन या वो जो है नदवा के उलमा जो थे, हाँ जी, उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने मुसन्नफीन की टीम तैयार की, लेकिन ये काम उससे कहीं बड़ा है। मुसन्नफीन की अलग टीम है, मुकर्रीन की अलग है, मुदर्रसीन की अलग है। अच्छा, उसके अलावा जो जिनको आप कह लें लीडर्स हैं तंजीमी तौर पे जो काम करते हैं उनकी एक अलग टीम, यानी हर हर फील्ड में जिसको जो सलाहियत थी उसके मुताबिक उनको अब वो फील्ड असाइन कर दी, उसमें वो काम कर रहे हैं। वाह 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 वाह, गोया एक ऐसा काम हो रहा है जो इससे पहले नहीं हुआ सदियों में नहीं हुआ। अच्छा, मुत्तहिदा मिलाद काउंसिल में भी आपका सेक्रेटरी जनरल का ओहदा है, तो मिलाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से क्या कुछ होता रहा? मैं अर्ज़ करता हूँ, हमने ये किया कि मुल्तान में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे जुलूस निकलते हैं, तो वो जो जुलूस हैं हमने उन जुलूसों को मुत्तहिद किया एक जगह पे। जुलूसों के बेशुमार मसाइल होते हैं, ठीक है, और बाज बेशुमार मसाइल ऐसे हैं जो सिर्फ सरकारी सतह पे ही हल हो सकते हैं। हमने उन तमाम जुलूसों के ऑर्गेनाइजर्स का इतिहाद बनाया और फिर ये एहतमाम किया कि अगर इतने सारे जुलूस हैं तो उनको एक सीक्वेंस में लाया जाए, एक तरतीब में लाया जाए। तो हम मुत्तहिदा मिलाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे तकरीबन 30-2.5 दर्जन के करीब जुलूस हैं जिनका हम एहतमाम करते हैं।
अच्छा, जिनके ऑर्गेनाइजर मुत्तहिदा मिलाद कौंसिल मुख्तलिफ तंजीमों के वो जुलूस शामिल हैं, वहाँ उसमें शामिल हैं। पहला रबी इस्तकबाल रबीउल अव्वल का जुलूस हम 29 सफर को करते हैं, ठीक है, मिलाद मार्च के नाम से, ठीक है। उसके बाद यकम रबीउल अव्वल से लेके 12 रबीउल अव्वल तक रोजाना जो है जुलूस होते हैं, किसी दिन 2 जुलूस हैं, किसी दिन 3 जुलूस हैं, तो ये तकरीबन 2.5 दर्जन के करीब जुलूस है 12 रबीउल अव्वल तक होते हैं। फिर इसमें हम ये करते हैं कि जो जुलूसों के मसाइल हैं उनकी एक पूरी फाइल तैयार करते हैं, उसमें सारे मसाइल लिखे होते हैं, जुलूसों के रूट्स लिखे होते हैं, डेट्स लिखी होती हैं, ऑर्गेनाइजर के नाम और नंबर लिखे होते हैं, फिर हम वो फाइल लेके वफद की सूरत में सरकारी इंतजामिया से मिलते हैं, ठीक है, उनको मसाइल पेश करते हैं और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मसाइल जो वो हमने हल करवाए हैं मुत्तहिदा मिलाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुल्तान मदीनातुल औलिया है, बर्रे सगीर का एक बहुत बड़ा शहर है और मिलाद के जलूसों के हवाले से इस शहर की एक अपनी शिनाख्त है, पूरे बर्रे सगीर में यहाँ के जलूस मशहूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस हवाले से हमने काम किया। नाज़रीन तहरीक सुबह मुल्तान के हवाले से अभी गुफ्तगू इंशाल्लाह राव साहब से करेंगे, तो एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है और वक्फे के बाद इंशाल्लाह इस सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। से डालें अपने खानों में जान, आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिप्स इस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खाके मुस्कुरा और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिप्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिप्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। Thank you.
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें, और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सींचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000777200, 03000222402। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शेर से आगाज करना चाहूंगा कि महदूद न कर ज़हन की हंगामा खेजियां, महदूद न कर ज़हन की हंगामा खेजियां, वो आईना तराश के दुनिया दिखाई दे। वाह। तो राव साहब ने आपको पाकिस्तान अवामी तहरीक, मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल और मुत्तहिदा मिलाद कौंसिल के हवाले से वो बातें बताई जो शायद इससे कबल मेरे इल्म में भी नहीं थी, तो मीडिया के जरिए हमारे चैनल के जरिए वो लोगों तक पहुंचेंगी और वो लोग देखेंगे, महसूस करेंगे कितना बड़ा काम हो रहा है। अच्छा राव साहब, आप मरकजी सेक्टर इत्तलात हैं तहरीक सुबह मुल्तान के, जी तो इस हवाले से क्या काम हो रहा है? देखिए, ये जो हमारा खित्ता है राजा साहब, ये खित्ता मुल्तान है, हम ये समझते हैं मुल्तान एक कदीम शनाख्त का हामिल शहर है, और दुनिया की जो कदीम तरीन तहजीब, जो जिंदा तहजीब है, उनमें से एक मुल्तानी तहजीब भी है। तो यहाँ ये इलाका, चूँकि सारा खित्ता जो है ये अपनी महरूमियों की वजह से, पसमानदगियों की वजह से, यहाँ के अवाम का मुतालबा है कि इसको सूबा बनना चाहिए, तो हमारा उसमें बहुत सारे नारे उठते हैं, कुछ लिसानी बुनियादों पे हैं, कुछ इंतजामी बुनियादों पे हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम तहरीक सूबा मुल्तान के प्लेटफॉर्म से इंतजामी बुनियाद पर सूबे का मुतालबा करते हैं। हम चाहते हैं कि लिसानी बुनियाद की बजाय इंतजामी बुनियाद पे सूबा बने। उस सूबे के नाम की जो बहस है उसमें हम ये कहते हैं कि देखें, जब जो लोग लिसानी बुनियाद पे मुतालबा करते हैं या गैर लिसानी बुनियाद इंतजामी बुनियाद पे करते हैं, उनको अगर मुत्तहिद होना है, उन्होंने अगर मुत्तहिद होना है तो उसका नुक्ता इत्तहाद जो है वो मुल्तान है। मुल्तान सब की शनाख्त है, बिल्कुल ठीक है। जो हमारे भाई सरायकी बोलते हैं वो भी असल में मुल्तानी जुबान है, तो हम ये कहते हैं कि मुल्तान चूंकि हमारी शनाख्त है, जो लोग हिजरत करके यहाँ आए हैं या जो पहले से यहाँ मुकीम थे, वो सारे के सारे मुल्तानी हैं, तो ये हमारी शनाख्त है, कदीमी शनाख्त है। तो हम चाहते हैं सूबे का नाम सूबा मुल्तान होना चाहिए, और तहरीक सूबा मुल्तान अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से अब तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए है। हमारे मरकजी चेयरमैन राव अब्दुल क्यूम शाहीन साहब जो हैं, और हमारे मरकजी सेक्रेटरी जनरल रुकनुद्दीन मुल्तानी साहब उसकी क्यादत में हम ये सफ़र जारी रखे हुए हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम सूबा मुल्तान हासिल करके रहेंगे। नाज़रीन, कलाम शायर बज़ुबान शायर, राव आरिफ रिजवी साहब शायर भी हैं, और उसके लिए तमहीद जो है वो प्रोफेसर अनवर जमाल साहब के एक शेर की है कि है पाँच पानियों का अदब इस ज़मीन में, है पांच पानियों का अदब इस जमीन में, शेरो सुखन के जायके मुल्तानियों से पूछ। वाह वाह वाह, क्या बात। तो तहरीके सुबह मुल्तान है और मुल्तानियों से पूछ रहे हैं, तो जनाब राव साहब जो हैं वो अपना कलाम जो है वो अता करेंगे। तो राव साहब जी, इरशाद फरमाइए। राव साहब, ऐसे है कि कलाम तो बहुत सारा है, गजलें भी हैं, नातें भी हैं, और बुजुर्गान दीन के लिए भी बहुत कुछ लिखा है, मनाकिब भी हैं। तो इस वक्त जो मेरे पास मौजूद है वो मैंने अपने कायद हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर तहरुल कादरी साहब के लिए कुछ चीज़ें लिखी हैं, तो आपके सामने तो अल्फाज कुछ भी नहीं है, सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, लेकिन नाजरीन के लिए ये कुछ अशार हैं जो मैं अपने कायद की नज़र कर रहा हूँ। तो ये मैंने लिखा था कई साल पहले, जगमगाती हैं जहाँ में फ़िक्र की रानाइयाँ, जगमगाती हैं जहाँ में फिक्र की रानाइयाँ, रश्क करती हैं तेरे अल्फाज पर दानाइयाँ, और तू कलंदर बेगुमा
तू है मुजद्दिद वक्त का, अच्छा है तू कलंदर बेगुमा, तू है मुजद्दिद वक्त का, हर दिले मुर्दा को तूने की अता बीनाइयां। और दिल पे इश्के मुस्तफा को नक्श ऐसे कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान दिल पे डॉक्टर तहलू कादरी साहब की पूरी तहरीक फरोगे इश्के मुस्तफा की तहरीक है, बेशक बेशक उनकी पूरी जिंदगी इस मिशन के लिए वक्फ है। दिल पे इश्के मुस्तफा को नक्श ऐसे कर दिया कि जलवाए महबूब से मामूर हैं तन्हाइयां, जलवाए महबूब से मामूर हैं तन्हाइयां, और तू हमेशा सुर्ख रू होता है हर मैदान में। सुभान अल्लाह, सुभान, तू हमेशा सुर्ख रू होता है हर मैदान में, और तेरे दुश्मन को हमेशा ही मिली रुसवाइयां, तेरे दुश्मन को हमेशा ही मिली रुसवाइयां। और मकता इसका है कि खस्ता दिल बेचैन सा रिजवी है तेरे हिजर में, खस्ता दिल बेचैन सा रिजवी है तेरे हिजर में, आ दिखा दीजिए जरा अब तो हुसन आराइयां, आ दिखा दीजिए जरा अब तो हुसन आराइयां, और रश करती हैं तेरे अल्फाज पे दानाइयां। भाई क्या काफिया आपने सिलेक्ट किया और उसको निभाया माशाल्लाह। और यकीनन नाज़रीन जनाब प्रोफेसर डॉक्टर तहरुल कादरी साहब के लिए जो अशआर जनाब राव आरिफ रिजवी ने लिखे काबिल सताइश हैं, काबिल तकरीम हैं। और मुझे भी एक शेर पेश करने की इजाज़त दीजिए कि ऐसे रहा करो कि करें लोग आरजू, ऐसे रहा करो कि करें लोग आरजू, और ऐसा चलन चलो के जमाना मिसाल दे। अच्छा आरिफ रिजवी साहब, इससे पहले कि खसूसी पैगाम की तरफ आए, ज़रा मुख्तसर ये बताइएगा कि आपने कॉलम निगारी भी की, आपके मजामीन मुख्तलिफ रिसालों अखबारात में छपते रहते हैं, तो ये जो कॉलम निगारी है क्या ये इनकलाब का पेश खेमा साबित हो रही है, हो सकती है, या वक्त गुजारी का जरिया है? देखें जी, मेरा चूंकि एक फिक्री और नज़रियाती तहरीक से, एक मिशन से ताल्लुक़ है, तो मेरी जो भी तहरीर है वो चाहे अशार की शक्ल में है चाहे नसर की सूरत में है, तो वो उसी फिक्र और नज़रिए का मज़र है। तो उस तहरीर के ज़रिए मैंने जो है लगातार कुछ 4-5 साल जो है पाकिस्तान के जो कौमी अखबारात हैं उनमें लिखता रहा हूँ कालम, वो जो है जो हालात आज़रा हैं, करंट अफेयर्स हैं, लेकिन मैसेज उसमें इनकलाब का ही दिया है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो लिखने लिखाने वाला काम है, कलम जो है वो इनकलाब के लिए बहुत बड़ा हथियार साबित होती है। और जिस तहरीक और मिशन से मेरा ताल्लुक है उन्होंने नौजवानों को, शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुक, नौजवानों को हथियार की बजाय कलम दिया है। उनका सबसे बड़ा हथियार जो है वो कलम है। उन्होंने अपनी किताबों के ज़रिए से दुनिया में उस पैगाम को आम किया है, तो मैंने उन्हीं की तकलीद करते हुए उस जो है मिशन को कलमी सूरत में भी जो टूटे फूटे अल्फाज हैं उसमें जारी रखा हुआ है। यकीनन ये जो अल्फाज हैं और ये जो तहरीरें हैं या ये जो मंजूम अल्फाज हैं ये सारे इंशाल्लाह इनकलाब का पेश खेमा साबित हों। गोया हमने लफ्ज़ों में ज़िंदगी रख दी, हमने लफ्ज़ों में ज़िंदगी रख दी, हम भी लगता है मर नहीं सकते। वाह वाह, तो ये अल्फाज, ये कॉलम्स, ये मजामीन इंसानों को ज़िंदा रखते हैं। अच्छा राव साहब, हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, तो हमारे नाज़रीन को कोई ख़ुसूसी मैसेज जो है वो अता कीजिए। मेरी अर्ज़ ये है कि जिस दौर में हम इस वक्त मौजूद हैं, ये दौरे फितन हैं, हर तरफ से इतने फितने हैं और गुमराहियाँ हैं, अजीब अजीब तरह के जो हैं वो, चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, नज़रियात इस तरह के प्रमोट हो रहे हैं, तो हमारा जो असल रिश्ता है वो अपने दीन के साथ, और वो सुए मदीना जाने के लिए वो रिश्ता हमारा बरकरार रहना चाहिए। उसके लिए हमें किसी ऐसी शख्सियत के साथ, ऐसे किसी इल्मी और इनकलाबी मिशन के साथ वाबस्ता होना चाहिए जहाँ से हमें सही फिक्री और नज़रियाती रहनुमाई मिले, जहाँ से हमारी अखलाकी तरबियत हो, रूहानी तरबियत हो, दीनी तरबियत हो, और जहाँ से हमारा जो सोच के जाविये हैं वो तब्दील हों, उसमें निखार आए, और हम वहाँ पे उस सोच और फिक्र के निखार के बाद अपने मुआशरे के लिए बेहतर समझें, अमन के लिए काम करें, रवादारी के लिए काम करें, मोहब्बतों का फ़रोग दें, तो इसके लिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कोई ऐसा सरचश्मा हो जहाँ से हमें फिक्र और नज़रिए की जो रहनुमाई है वो हमें शफाफ अंदाज में मिलती रहे, जिसमें कोई मिलावट ना हो गुमराही की और बातिल नज़रियात की, तो वो जो है इस तरह का कोई ताल्लुक और जो है निस्बत हमारी कायम रहनी चाहिए।
वाह नाज़रीन, गोया रहे हयात में इंसान की बेहतरी के लिए, रहे हयात में इंसान की बेहतरी के लिए नबी का जिक्र ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यकीनन राव आरिफ रिज़वी साहब ने वही मैसेज दिया है कि हमारा रिश्ता जितना मजबूत होगा उतना ही जो है वो हमें ओजस्वी नसीब होगा। साहब एक 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 मिसरा से इसी में कि अगर इसको एक शेर में अगर मैं बयान करूं तो वो ये है कि इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, वाह, बाद मरने के लहद में भी उजाला हो। सुभान अल्लाह, ये पैगाम है। वाह वाह वाह। जनाबे राव आरिफ रिज़वी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपका शुक्रिया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए मजीद आसानियां पैदा फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। और आप इसी तरह जो है माशाल्लाह ये काम करते रहे। नाज़रीन, प्रोग्राम अहले कलम से राजा कौसर सईदी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय शमा बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल, विज वॉश, गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग, SM फूड्स, वोल्का फूड्स इंटरनेशनल, अल करीम बिल्डर्स एंड धरेजा ग्रुप ऑफ अकेडमीज।